नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर से सब्सक्राइबर से सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, 10 सितंबर से शुरू हो रही है गणेश चतुर्थी। वैसे तो दोस्तों, हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए गणपति जी की पूजा करने की, उनकी स्थापना करने की। जो लोग करते हैं बहुत बेस्ट है, जो लोग नहीं कर पाते हैं वे लोग भी जहां भी मोहल्ले में गणपति जी की स्थापना होती है वहां जाना चाहिए और एवरीडे गणपति जी के दर्शन करना चाहिए। उनकी आरती में तो अवश्य ही शामिल होना चाहिए। ऐसा करने से लाइफ में जो विघ्न बाधाएं, जो संकट आ रहे होते हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। गणपति जी की पूजा करते समय दोस्तों, उन्हें आप दुर्वा अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति, जिन लोगों की काफी समय से कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई काम ऐसा है जो अटक रहा है, वे लोग गणपति जी के लिए दुर्वा लेकर के आए। और ये उपाय गणेश चतुर्थी में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना है आपको रेगुलर 3 दिन तक। आप एक दुर्वा लेकर के आए। दुर्वा में आपको 7 गांठे लगानी है। कितनी? 7 गांठे आपको लगानी है, हल्के हल्के हाथ से, कि गांठे टूट ना जाए। और सभी गांठों के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगा करके दोस्तों, आपको हर गांठ के ऊपर, मतलब गांठ आपको अंगूठे और अनामिका उंगली के बीच में ऐसे पकड़नी है और ओम गंग गणपते नमः, आपने 7 गांठे लगाई है, 7 बार इस मंत्र को बोले एक गांठ के ऊपर। इस तरीके से 7 गांठों पर 7-7 बार आप इस मंत्र को बोलकर इसे आप अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करके आपको इसके ऊपर पीले रंग का धागा लपेट देना है और धागा लपेटते हुए आपको अपनी इच्छा बोलनी है। जो भी आपका काम रुका हुआ है, लंबे समय से नहीं हो रहा है, वो इच्छा आपको बोल देनी है। बोल करके उस दुर्वा को आप गणपति जी को अर्पित कर रहे हैं। कंटिन्यू 3 दिन दोस्तों आप इस क्रिया को इस गणेश चतुर्थी में करके देखें, आपका कैसा भी रुका हुआ काम होगा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को फिर से गणेश चतुर्थी की हैप्पी 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 गणेश चतुर्थी। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जानकारियों को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही आपको पुण्य फल मिलेगा। करने के लायक उपाय है, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।